बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया क्यों दरबार में, क्या है मुझसे काम। महाराज मैं बाली सुत अंगद बानर सेना का नायक हूँ, पैगाम सुला लेकर आया श्री रामचंद्र का सेवक हूँ। है मेरे पिता के मित्र आप, इसमें हित है सुख पाओगे, श्री सीता जी को लौटा कर संधि कर लो बच जाओगे। हानि है युद्ध में लाभ नहीं, नाहक वीरों की क्षय होगी, किसकी जय किसकी पराजय हो, पहले तो महाप्रलय होगी। सोने की लंका में सोने वालों जागो, अब रात गई, चोरों की दुनिया खत्म है, अब चढ़ आया सूर्य प्रभात हुए। रावण बोला संधि क्या, संधि का परिणाम, समझा नहीं ना याद है कौन बाली कौन राम। अंगद ने कहा हाँ याद न हो, वो बात तो बहुत दिनन की है, जब बाली की कांख के कैदी थे, वह घटना शायद स्वपन की है। राजा राजेश्वर भुवनेश्वर सीता के पति रघुकुल भूषण, तारिका सुभाव के नाशिक, मारा है जिन्होंने खरदूषण। श्री शूर्प नखा भगनी की घर नित नाक कटी, जब देखते हो श्री महाराज आश्चर्य है, फिर तुम राम को कैसे भूलते हो। भूलो ना श्री राम को, भूलो काम अभिमान, भूलो काम अभिमान, सीता राम के मिलन में सबका है कल्याण, सिया राम के मिलन में सबका है कल्याण। रे अंगद बानर कुल घाती, मरा बाली तोरी फटी न छाती, शत्रु राम की ली सेवकाई, रे नीलाज तो हे लाज न आई। अब भी मुझसे मिल जाए तो तुम्हें सेनापति का पद दे दूं, सुग्रीव राम को मार माली की हत्या का बदला ले दूं। सच तो लंका के शेरों का भालू बानर नर भोजन है, नित काल भी डरता है जिससे, वह एक ये राजा रावण है। अंगद ने कहा श्री महाराज अपने मुख से अपनी शोभा, बेपत सेना का पति बनूं ये भाग्य कहाँ नहीं है इच्छा, सोने की लंका वालों अब वो रही सुनहरी शान कहाँ, नारियां चुराने वालों का होता है जग में मान कहाँ। बाली के संगी अभिमानी ओ कामी बल पे भूल न अब, सती की आहों से जले हुए ओ राख बबूले फूल न अब।
इंद्रियों के बल और बुद्धि कहाँ, तप त्याग का बल दिखलाता हूँ, ले राम तपस्वी के बल पर मैं अपना पांव जमाता हूँ। ये पग पृथ्वी से तिल भर भी तेरा कोई राक्षस तार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, बकवादी बानर को उठाकर सागर में फेंक दो। अंगद का पांव उठाना चाहते हैं, मेघनाथ से लेकर सब के सब राक्षस मुंह की खाते हैं। रावण स्वयं उठते हैं तो अंगद पीछे हटकर कहते हैं, पांव पकड़ कर दूत का क्यों खोते हो मान, शरण कहो रघुनाथ की, हो तुम्हारा कल्याण।